काल धारवाड़ी मालधारी फिर लग गई बाट हिटो मठू मठ है गोरा भाई जा कहाँ आएगा जे तू आज यो बाबा हो बाट भर के क्या नहीं यार। आज से मैं डेली ब्लॉग करूँ डेली रोज कहना क्या दिखाते रहूँ डेली ब्लॉग। ये निर्णय कैसा रहेगा डेली ब्लॉगिंग का और जल्दी जल्दी झट कमेंट कर पे बताया। हाँ हेलो दगड़ियो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पता है क्या यार दाजो आज मैं फाइनली अपन ट्रेनों डब चेंज करे आज मुँह लग रही है चंपावत। अब गौरव दा कुछ दिन चंपावत में रहेंगे तहीं से नौकरी सांस ले लग रही कि बताऊँ यार बाप वाह तो बक्स उठाया भरना मरा है रे मरा है डुट्याल ना होना डुट्याल वाला हालत है कि लग रहा है यहाँ सांस लग गई है कम से कम मैं 1 किलोमीटर नीचे से आ रहा हूँ यहाँ पर से बक्स। ये अभी मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ मेरे को थकान लग चुकी है और मैं फाइनली वो वहाँ से आ रहा हूँ बहुत दूर पर वहाँ जाना है मैंने वो ऊपर की साइड ऊपर के अभी बक्स ले कस के उठाई जाल। अरे ओ भाई रह गया फाइनली आप कमर में पूछ गई हूँ बक्स रह गया। हिमालय पर्वत दिखेगा शानदार और यहाँ पर का इतना तगड़ा व्यू है और ये वाला अपने ने कमरा ले रखा है। भाभी यहाँ पर सामान कोई छिड़ता तो नहीं है ना है? सामान कोई छिड़ेगा तो नहीं ना है ना नहीं तो कोई नहीं छिड़ता है। ठीक हो गया भाई लोगों जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर कि कहते हैं मैंने भाभी से पूछा उन्होंने कहा यहाँ पर कोई ताला चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमारा सामान कोई नहीं ले जाता क्योंकि ये छू देवभूमि उत्तराखंड हमारे देवतों की भूमि है और देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं होता छल कपट। और अभी मैं दोबारा नीचे को जा रहा हूँ अब मैं रजाई और गद्दे लेके आऊँगा छोड़ा सामान है रे यार मेहनत है रे यार पालन में मेहनत मगर अलग ही मजा आएगा। हम यहाँ पर रहेंगे कुछ दिन अपना खाना बनाएंगे खुद से सब कुछ दिखाएंगे आपको ब्लॉग के साथ। दाजू ये मैं गद्दे ले लिया और ये एक कट्टा भी है मेरे साथ में और यूँ मैं ताल धारवाड़ी मालधारी फिर लग गई बाट हिटो मठू मठ बाबा मरा है रे यार गजब है रे यार सामान सारा मिलने वाला है एक तो कोई भी नहीं है ना यहाँ पर बाट पड़ गई बाट भाड़ फर गई क्या यार दाजू की करिए अब मन तो कर रहा दाजू यहीं पड़ जाऊँ गद्द घाव में ले रहे हो गद्द यहीं पाथर यू कतू ठुल पाथर से पाथर में लगाऊँ गद्द पड़ जाऊँ यहीं है गोरा भाई जा कहाँ आएगा जे तू आज यो बाबा हो भाड़ फर गई क्या यार यहाँ मन रख लेना थे कोई हिट यार गोरा भाई हिट कोई ना उन वाल चीज है यहाँ हिट आओ चलो यार दगड़ियो फाइनली दोबारा आ गई ये तीसरा चक्कर है मेरा और अभी सामान ये थोड़ा और लेके आया थोड़ा पीठ में है और ये गद्दा हाथ में है और यहाँ पर हेलमेट है सारी चीज़ें लेके चलते हुए दोबारा हम दगड़ियो मैंने ये गद्दा वगैरह जो भी है ये घाम में लगा दिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सीलन वगैरह हो जाती है तो इसलिए मैंने कहा जब तक धूप आ रही है धूप में गद्दे वगैरह अपने आप सूखते हो बाकी दगड़ियो फाइनली सारा सामान तो आएगी हो बस अब बच रहे मेरे धन्नो बाइक को ले जाना है बस और कुछ नहीं बचा हुआ है बाइक को लेके जाते हैं अब और ये जैकेट और ये बैग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप और अब फिर बाजार उन्हों थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर ले लूँ सामान वामान चाहिए ब्रश साबुन तेल हेल वो ले लें भाई लोगों फाइनली भूख भी लग चुकी है और यहाँ पर वेज राइस बना दिया है और यहाँ पर वेज राइस खाते हुए अब हम मन तो मेरा जो भी बात खाने का था बट क्या करें वेज राइस मिला तो वेज राइस खाते फाइनली यहाँ पर आ गया हूँ मैं शॉपिंग करने स्मार्ट पॉइंट में। यहाँ पर एनर्जी बहुत लॉस हो गई है और यहाँ पर अमूल कूल पिया जा रहा है इलायची फ्लेवर वाला और उसके साथ साथ शॉपिंग भी करी जा रही है घर बहुत हो चुकी है और मैं ये सामान लेके घर की तरफ को जाता हूँ रूम में। दगड़ियों फाइनली अभी रात हो चुकी है और मैं यहाँ पर कमरे में पहुँच चुका हूँ और मैंने पूजा पाठ सब कर लिया है मैंने अपना मंदिर भी रेडी कर लिया है और ये देखिए आप यहाँ सब चीज़ रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने दिया जला के अपना रेडी आज से धूपबत्ती वगैरह करके अपने मंदिर को रेडी करके और मैंने प्रसाद के तौर पे आज गुड़ लेके आया था तो मैंने थोड़ा भगवान को गुड़ चढ़ाया और ख़ुद भी अपना गुड़ से भोग लगाया। दगड़ी अभी रात भी हो चुकी है अभी खाना वगैरह भी पकाना है इससे पहले मैं ये सामान समेट लेता हूँ अपना बिस्तर रेडी करता हूँ पहले फाइनली बिस्तर भी रेडी हो चुका है यहाँ पर बिस्तर वगैरह मैंने अभी रेडी कर लिया है और अब खाना मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अब डेली ब्लॉगिंग करूँगा और आप लोगों का मेरे को प्यार चाहिए सपोर्ट चाहिए आप किसी का लाइक कमेंट करते रहे और फेसबुक में तो तुम बहुत प्यार दे रहे हो मैं क्या और यूट्यूब में ले दियो यार दाजू तुम्हारा प्यार ना तुम्हारे यार कि कौन यार बहुत है बढ़िया लग रहा है यार सैल्यूट है यार तुम क्या और ये बताओ मेरे डेली ब्लॉगिंग करने वाला कॉन्सेप्ट कस रोल और मुँह कहना क्या दिखाते रहे उन दिनचर्या भैया कहना क्या लग ही रुनी भी हो भूती और दगड़ियों अभी मैं खाने का भी टाइम हो गया खाना आना बनाता हूँ जब तक तगड़ी ये देखो आप यहाँ का नाइट व्यू देख सकते हैं कितना तगड़ा दिख रहा है यहाँ से यार नाइट पूरा ये चंपावत दिख रहा है ये जूमिंग में भी दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ से नाम आपका नाम मेरा उपासना जैसी हंस के रही येलो टॉफी खाओ घर में खुशी है घर में खुशी है
ये इतनी खुशी, ये लो टॉफी खाओ। नहीं खाओगे? क्यों? खाले बाबू, खाले बाबू ले नंदिन, तू ले खाओ। ये अतुल भाई ने पूरे यहाँ पर बेल चुके हैं, बेली आटे की लोई वगैरह बना चुके हैं और अब यहाँ पर हम बनाएंगे सब्जी। सब्जी कौन सी बनाएं ये समझ नहीं आ रहा है, पर ये देखो प्याज और टमाटर की चटनी बनाते हैं हम। प्याज और टमाटर की चटनी बनाते हुए और अतुल भाई प्याज टमाटर काटते के साथ साथ गौरव मेहता ब्लॉग्स का आनंद ले रहे हैं फुल मजे में। कैसा लग रहा है अतुल भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं बनाता हूँ सब्जी, क्योंकि हमारे पे क्या है यहाँ पर ना कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है, तो हम कुकर में ही सब्जी बनाते हैं। और यहाँ पर अतुल भाई हमारे बेल बेल के रखे जा रहे हैं यहाँ पर, और ये पहले से इन्होंने आधे घंटे पहले ये लोहिया बना ली थी, अब ये यहाँ पर ये रख रहे हैं, फिर इसके बाद रोटी सेकेंगे, फिर दोनों भाई खाएंगे हम। फाइनली यहाँ पर रोटी और सब्जी बन चुकी है और यहाँ पर अतुल भाई आ गए हैं कटोरी लेके, और यहाँ पर और दगड़ियों हम यहाँ पर से खाएंगे रोटी और कहते हैं यहाँ पर टेस्ट बताएंगे कैसा हो रहा है, के बताएंगे कैसी हो रही है रोटी। हंसी आ गई है, अतुल भाई खाइए खाइए, कैसी हो रही है सब्जी, मजा आ गया सब्जी खाने में। दगड़ी देखो तुम्हारे भाई की बात, हाथ की कमाल अलग है, बट मैं भी खा के देखता हूँ जब, बढ़िया हो रही है यार, मजा आ गया। दगड़ी दगड़ी फाइनली अभी हमने खाना खा लिया है और अब यहाँ पर सोने की तैयारी हो रही है, और ये थोड़ा सा गुड़ बचा हुआ है, गुड़ खा लेता हूँ पहले। रात में खाने के बाद गुड़ खाने की बात ही अलग है, गुड़ खाता हूँ और सो जाता हूँ। दगड़ियो ये वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ऑल्सो गाइज। और दगड़ियों मैं सोच रहा हूँ अब डेली व्लॉग करूँगा, आपका अपना प्यार मिलना चाहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। फेसबुक पे बनाए रखते हैं, वैसे ही आप यूट्यूब पे भी बनाए रखें। लव यू गाइज।